लोकसभा चुनाव और राहुल गांधी की न्याय यात्रा की तैयारी को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज रायगढ़ पहुंचे। दीपक बैज ने कहा है कि राहुल गांधी ओडिशा से रायगढ़ पहुंचेंगे, हालांकि तारीख अभी तय नहीं की गई है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए ये भी कहा है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। महंगाई बेरोजगारी चरम पर है, डॉलर के मुकाबले रुपया कितना नीचे चल रहा है। दीपक बैज ने ये भी कहा है कि भ्रष्टाचार का वे आरोप लगा रहे हैं तो जाँच करा लें। उनके 15 साल के भ्रष्टाचार की सूची भी हमारे पास है, उसको भी जांच करा लें। बिल्कुल, आज से हम लोग सारंगढ़, रायगढ़, फिर शक्ति, जांजगीर चांपा और बिलासपुर, मुंगेली, इन लगभग 6 जिलों का 3 दिन का हम लोग का दौरा है। और ये है कि हम लोग आज जा रहे हैं, सबसे पहले जो हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी के न्याय यात्रा की तैयारी भी करना है, रूट भी देखना है, कार्यकर्ताओं से चर्चा भी करना है और आने वाला समय में रोडमैप हम लोग को तैयारी करना है। इसको लेकर सभी कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेताओं से चर्चा, उस जिले के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा होगा। साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए कार्यकर्ताओं से मिलकर हम लोग चर्चा भी करेंगे।